नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेड़ना पर साधा निशाना, कहा दिव्या मदेड़ना को विकास की चिंता छोड़कर कर लेनी चाहिए शादी। बस्सी में कौशल रोजगार एवं उद्यमिता सहायता शिविर का हुआ आयोजन। जोधपुर में भाजपा ने मनाया काला दिवस, आपातकाल को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। और खबरें विस्तार से। जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल अग्निपथ योजना के विरोध में 27 जून को जोधपुर में रैली को लेकर मारवाड़ के दौरे पर रहे, लेकिन इन दौरों के बीच बेनीवाल का विरोध भी शुरू हो गया है। शनिवार को दिव्या मदेड़ना समर्थकों ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसकी वजह से शुक्रवार को बेनीवाल द्वारा ओसिया क्षेत्र में एक सभा के दौरान पूरे मदेड़ना परिवार पर की गई टिप्पणियां हैं। इसको लेकर मदेड़ना समर्थक आहत में हैं और सोशल मीडिया पर बेनीवाल के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। दिव्या मदेड़ना समर्थकों ने आज ओसिया मुख्यालय पर बेनीवाल का विरोध करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को बेनीवाल ने ओसिया क्षेत्र के एक सभा को संबोधित करते हुए पूरे दिव्या मदेड़ना की ओर से लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने परसराम मदेड़ना, महिपाल मदेड़ना, दिव्या मदेड़ना और उनकी मां लीना मदेड़ना को भी लपेट लिया। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरी चिंता छोड़ दो, मैं जिसके पीछे पड़ता हूं उसे खत्म करके छोड़ता हूं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेड़ना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक बार विधायक बनकर खुद को नेता समझने लग गए, उनको विकास की चिंता छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि शादी से दिमाग सही रहता है। पिंडवाड़ा में भाटिया एंड कंपनी द्वारा दो दिवसीय ग्रामीण महोत्सव तारीख 23 और 24 को पुलिस थाने के सामने आयोजित किया गया, जिसमें भाटिया एंड कंपनी झालावाड़ द्वारा गाड़ियों को अलग अलग मॉडल की प्रदर्शनी कर कैंप लगाया गया। कंपनी के तरुण कारपेंटर ने बताया कि दो दिवसीय कैंप में ग्राहकों को नई गाड़ियों की बुकिंग और डिलीवर की गई, साथ ही पुरानी गाड़ियों के सही मूल्यांकन करवाया गया। पुरानी कार एक्सचेंज करवा कर नई कार की बुकिंग टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। साथ ही मारुति को सभी प्रकार के मॉडल की विस्तृत जानकारी कैंप के माध्यम से दी गई। चोमहला में ट्रेन की स्पीड में दौड़ता हुआ ट्रैक्टर 100 फीट गहरे कुएं में जाकर गिर गया। झालावाड़ जिले के उन्हेल में शुक्रवार शाम को एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। उन्हेल निवासी कन्हैया लाल अपने खेत पर ट्रैक्टर से हकाई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर जा रहा था। अभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत पर स्थित कुएं में गिर गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक कन्हैया को कोई जनहानि नहीं हुई और बाल बाल बच गया। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने भारी मात्रा में एकत्रित हो गए और फिर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को कुएं से बाहर निकलवाया। कुएं में करीब 20 फीट भरा हुआ पानी था, जो ट्रैक्टर कुएं में गिरने से पूरी तरह डूब गया। बस्सी के राज्य सरकार कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की वार्षिक कार्य योजना 2022 और 23 के क्रियान्वयन के तहत सभी वर्गों को आशार्थियों के लाभार्थक एक दिवसीय कौशल रोजगार उद्यमिता सहायता शिविर का आयोजन दीनदयाल नगर न्यू रिको स्थित सोहर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बस्सी में आयोजित हुआ। शिविर आयोजक और सोहन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के चेयरमैन एमएल शर्मा व निर्देशिका कांता शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ जिला रोजगार अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा, जिला रोजगार अधिकारी हरीश कुमार नटवाल आदि लोगों ने किया। नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, और देश के अंदर ही क्यों, यदि हम सोचे तो ग्लोबल पोजीशन यह है कि बेरोजगारी के आंकड़े बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं और उसके निराकरण के लिए सरकारें, जिसके अंदर मुझे राजस्थान सरकार का बड़ा अभूतपूर्व एक उत्साहवर्धक
जो मेरे पीठ पर उन्होंने हाथ रखा और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि भाई आप है जो आपके संस्थान के हिसाब से आसपास का बस्ती एक रिमोट एरिया है, आप चाहें तो हम आपकी ये मदद कर सकते हैं। या बेरोजगार युवाओं की एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी और बस्ती जैसे रिमोट एरिया के अंदर जहाँ से बच्चे आए और उनको रोजगार मिले तो उसके लिए आप रोजगार मेला का आयोजन करें। कितनी कंपनियां से बुलाई गई है और क्या आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं या फिर बस्ती एरिया से भी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बुलाया गया? 40 कंपनियां, जैसे सर से मेरी बात हुई थी, लगभग 40 कंपनियां इन्वाइट की थी और उनमें से करीब 20 से 35 के बीच में कंपनियां आई हुई। और केवल बस्ती ही नहीं, अलवर से हैं, पूरे आपके दौसा डिस्ट्रिक्ट से हैं, भरतपुर से हैं, नरभरी से हैं, राजस्थान के दूसरे रिमोट एरिया से भी हैं, तो राजस्थान के सुदूर एरिया से भी आए हैं। और इसका प्रचार प्रसार जो किया गया था वो काफी पूरे पैन इंडिया में किया हुआ है। इवन यूपी से, एमपी से, महाराष्ट्र तक से फूट आ रहे थे रोजगार लेने के लिए, लेकिन वो प्रायोरिटी चूंकि उनको भी ये पता था और हमने भी उसको ये इंगित किया था कि भाई प्रायोरिटी तो स्टेट जो युवा है उन्हीं को देंगे, उसी हिसाब से वो लोग कम आए, फिर भी एक दो लोग यूपी से आए। कॉलेज प्रशासन की ओर से किस तरह का युवाओं को सपोर्ट या दिया जा रहा है आपकी तरफ से? कॉलेज प्रशासन की तरफ से आप देख रहे होंगे हमारा कोशिश बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं अच्छी से। बस्ती से खबर जहां पर्यावरण संरक्षण के प्रति शिक्षित एवं जागरूक करने और बच्चों बड़ों को आमजन में वानव भूभाव को बढ़ा देने उद्देश्य से प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह अगर जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले के बस्ती विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर नई नाथ धाम के में भी लवकुश वाटिका का निर्माण किया गया। इन वाटिकाओं में वहां स्थानीय वातावरण एवं पारिस्थितियों के अनुकूल स्थानीय वनस्पतियां, छायादार फल फूल औषधियां पौधे लगाए जाएंगे ताकि लोगों को वानुभाव मिल सके, इसके साथ ही लोगों को प्रकृति का एहसास हो सके। इसके लिए इन वाटिकाओं के निर्माण में भी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाएगा। बस्ती में लवकुश वाटिका का निर्माण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई नाथ धाम जयपुर जिले समेत आसपास के जिले के लोगों की धार्मिक आस्था केंद्र है। इसके साथ ही यहाँ के लोग भी नई नाथ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा ने सरकार से आग्रह किया और उनके आग्रह पर ही बस्ती के नई नाथ धाम में लवकुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने जो राजस्थान में एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, वो निर्णय लवकुश वाटिका बनाने का जो निर्णय है उससे हमारे सम्मानीय विधायक साहब की अनुशंसा पर जो नई नाथ धाम में लवकुश वाटिका बनने जा रही है उसके लिए आज बस्सी विधानसभा क्षेत्र में हर्ष की लहर है। वो लहर इसलिए भी है कि चुनाव के समय बस्सी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधायक महोदय से ये आग्रह किया था कि नई नाथ धाम को पर्यटक स्थल का दर्जा दिलवाया जाए, लेकिन वो दर्जा तो नहीं मिल सका, लेकिन एमएलए साहब के अथक प्रयासों से जो राजस्थान सरकार को अनुशंसा उन्होंने की है वो लवकुश वाटिका की घोषणा के साथ में ही एमएलए साहब ने वहाँ के लिए भी तन मन और धन ये खर्च करके उसको पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नईनाथ धाम वो धाम है जहाँ लाखों लोगों की आस्था है और वहाँ लाखों लोग हर महीने वहाँ मेला भी लगता है और उस सबको देखते हुए एमएलए साहब वहाँ पार्किंग की
टॉयलेट की, शौचालय की, पार्किंग की, बैठने उठने की व्यवस्थाओं के साथ वहाँ की साफ सफाई वगैरह सारा जो चारों तरफ का जो भव्य विकास है उसको लेकर काफ़ी 3.5 साल के अंदर इतने प्रयास एमएलए साहब ने किए और आज उन प्रयासों की वजह से आज नईनाथ धाम में वास्तव में जो लोगों की आस्था थी वो आस्था आज 1 गुना से बढ़कर 10 गुना हो गई। और जहाँ तक लोग मानते हैं वो एकदम भले ही सरकार इसको दर्जा दे या नहीं दे लेकिन वो एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, उसके लिए मैं एमएलए साहब का और सम्माननीय अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नईनाथ जो महादेव है उसके क्षेत्र में लोक वाटिका का जो है प्रोजेक्ट वो लॉन्च हो रहा है, उसमें 50 हेक्टर क्षेत्र में फेंसिंग हो जाएगी, एक अच्छी साइट बन जाएगी। इसमें क्या है कि जो भी है कि वन और पर्यावरण से रुचि रखने वाले जीव जंतुओं में रुचि रखने वाले पेड़ पौधों में और फल और फूलों में जो भी रुचि रखते हैं वो लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, एक ज्ञानवर्धक चीज़ बन जाएगी। तो इसमें क्या है उनको जो है वो इसमें जो रिसर्च करने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी हो जाएगी। क्या लवकुश वाटिका को पर्यटन की दृष्टि से अहम माना जाएगा? हाँ, पर नईनाथ महादेव तो पहले से ही पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है लेकिन अब लवकुश वाटिका और हो जाएगी तो ये और भी स्थान है जो निखर के और अच्छा हो जाएगा। बताओ, हमारे नईनाथ धाम में बहुत दूर 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 दराज से श्रद्धालु दर्शनार्थी बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं और यहाँ लवकुश वाटिका का जो निर्माण की घोषणा हुई है इसके लिए हम स्थानीय एमएलए साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इस स्थान को पर्यटक स्थान का दर्जा भी मिलना चाहिए। हमारे सभी क्षेत्रवासियों की ये मांग है कि ये स्थान पर्यटन स्थल बने। बस्सी से खबर, जहां भाजपा ने आपातकाल की बस्सी पर काल दिवस मनाकर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचल दिया। लोकतंत्र को कुचलने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। 1975 में लगे आपातकाल के सेनानी मधुसूदन मंगल को किया सम्मानित। भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को पावटा स्थित पत्सारी धर्मशाला में लोकतंत्र की हत्या 25 जून 1975 को लोकतंत्र की हत्या करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था जिसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस के रूप में यह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिगर कैबिनेट की सलाह की, अर्धरात्रि में आपातकाल के कागजों पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाए और इसके बाद में 26 जून को सुबह अपने मंत्रिमंडल लोगों को उसने इसमें बताया। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक दिन रहा, इसलिए काला दिवस के रूप में इसको। जोधपुर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने शनिवार को सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध में राष्ट्रपंत सैनिक सत्याग्रह के नाम पैदल मार्च निकाला। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़े। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में छात्र अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे थे। एनएसयूआई से जुड़े छात्र आज सुबह 10 बजे से केंद्रीय कार्यालय के बाहर एकत्रित होना शुरू हो गए। काफी इंतजार के बाद प्रदेशाध्यक्ष छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना ने युवाओं का भविष्य अंधकार में बना दिया है। देश की रक्षा के लिए अग्रणी सेना में ठेका पद्धति से भर्ती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद छात्र एक जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना हुए।
इस पैदल मार्च के साथ बड़ी संख्या में पुलिस भी चली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये छात्र राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSU द्वारा जोधपुर जिला मुख्यालय पर सैनिक सत्याग्रह राष्ट्रपथ नाम से जो विशाल पैदल मार्च का आयोजन रखा गया, इसमें पूरे जोधपुर संभाग से और विशेषकर जोधपुर ज़िले से छात्र शक्ति उमड़ी, युवा शक्ति उमड़ी और उन्होंने एक मैसेज दिया केंद्र की सरकार को कि आग की जो ये अग्निपथ योजना है ये सरासर युवाओं के भविष्य के ऊपर कुठाराघात है जिसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। किस प्रकार से भाजपा के नेता इस अग्निपथ योजना में जो युवाओं को भर्ती लेना चाहते हैं और उसके बाद उनकी जो बयानबाजी आ रही है कि 4 साल वहाँ सेवा देने के बाद जो सैनिक रिटायर होकर के आएगा वो हमारे ऑफिसेज पर चौकीदारी करेगा, इस बयान की हम कड़े शब्दों में NSU जोधपुर की तरफ से निंदा करते हैं। और जब तक भारत की सरकार इस अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती है तब तक हमारा यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और इसको हम गांव ढाणी तक लेकर के जाएंगे। पारस गुजर, राष्ट्रीय संयोजक। जोधपुर केंद्र और प्रदेश में भाजपा के आह्वान पर शनिवार को पीपाड़ शहर भाजपा मंडल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। देश में 25 जून 1975 को आपातकालीन लगाया गया था। इसके विरोध में शहर में अम्बेडकर सर्कल पर अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक धरना देकर काला दिवस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी भी बांधकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह लोकतंत्र सेनी बिहारी लाल जीनगर का वरिष्ठ नेता दुली चंद सोनी द्वारा स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष महेंद्र सिंह कछावा ने बताया कि आपातकाल के समय जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया था और उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया था। इसके कारण अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को कई महीनों तक भूमिगत रहकर देश के लिए आंदोलन जारी रखा। सिरोही से खबर। देश में 25 जून 1975 को जन भावनाओं को कुचलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कैद कर लिया था। भारतीय राजनीतिक के इतिहास का वो काला अध्याय जिसमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों पर तानाशाही चलाकर अत्याचार, जुर्म, बर्बरता पूर्ण कार्यवाही करके लोगों से जीने बोलने का हक छीनकर आजादी और लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ लिया था। ये उद्गार भाजपा नगर मंडल सिरोही द्वारा आयोजित आपातकाल का काला दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य वक्ता वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट वीरेंद्र सिंह चौहान ने कार्यक्रम में व्यक्त किया। शनिवार को मुख्यालय के श्रीमाल छात्रावास सभागार में आयोजित आपातकाल की बस्सी पर शहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के जिला संयोजक नारायण देवासी एवं नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल के सानिध्य में तत्कालीन शासन के अत्याचार, दमन के खिलाफ आवाज उठाने वाले सेनानियों का स्मरण करके सम्मान किया। कार्यकर्ताओं ने मुखबीत होकर मुख्य वक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर बार बार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का विरोध, ईडी द्वारा गांधी परिवार के जांच हेतु बुलाने पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम हो या राष्ट्रहित की अग्निवीर योजना विरोध करना, ये सभी कांग्रेस के चाल चरित्र को दिखाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता।